नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुख करेंगे सबसे पहले इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 74% हुआ मतदान। बड़ी जानकारी, दून हल्के में हुई सबसे ज्यादा वोटिंग। तो दून हल्के में करीब 85% मतदान हुआ है, 71% के साथ कांगड़ा में सबसे कम वोटिंग हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, हिमाचल प्रदेश में 74% मतदान हुआ है। दून हल्के में हुई सबसे ज्यादा वोटिंग, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दून हल्के में करीब 85% मतदान जो है वो हुआ है। बड़ी खबर, 71% के साथ कांगड़ा में सबसे कम वोटिंग हुई है। हिमाचल प्रदेश में 74% मतदान हुआ है, ये बड़ी खबर। दून हल्के में सबसे कम वोटिंग हुई है। दून हल्के में करीब 85% मतदान हुआ है, ये बड़ी खबर। 71% के साथ कांगड़ा में सबसे कम वोटिंग हुई है। तो दून हल्के में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। दून हल्के में तकरीबन 85% मतदान हुआ है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां नेताओं में वोटिंग को लेकर जोश हाई दिखा, वहीं प्रदेश की जनता में भी वोट को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। तस्वीरें हिमाचल के अलग अलग सीटों की हैं, जहां पर कहीं लंबी कतारें देखी तो कहीं वोटिंग को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आया। ये 6 तस्वीरें अलग अलग जगहों की हम दिखा रहे हैं, बद्दी, हमीरपुर, मंडी, नालागढ़, शिमला, सिरमौर में, जहां पर आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा उत्साह जो है वो वोटर्स में देखने को मिला। कुछ ऐसी तस्वीरें और भी जगह जो है वहीं देखने को मिली, जहां पर सुबह से ही पोलिंग स्टेशंस पर जो वोटर्स का पहुंचने का सिलसिला था वो शुरू हो गया। तो वहीं दूसरी तस्वीरें देखिए, ये सभी हिमाचल के दिग्गजों की है, जहां पर सीएम जयराम से लेकर सुरेश भारद्वाज ने भी वोट कास्ट किया अपने परिवार के साथ। ये तमाम दिग्गज जो है वो पहुंचे, आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सुरेश भारद्वाज, विक्रमादित्य सिंह, जयराम ठाकुर और प्रतिभा सिंह, साथ ही कौल सिंह ठाकुर, आपको ये 5 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। तमाम दिग्गजों ने अपने परिवार के साथ आकर पोलिंग स्टेशंस पर वोट डाला और लोगों से भी अपील की कि वो भी वोट डालें। और फिलहाल कल ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो चुनाव है वो कल संपन्न हुआ। अब नतीजे 8 तारीख को सबके सामने होंगे। तो हिमाचल में विधानसभा की 68 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। प्रदेश में होने वाले चुनावों में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मतदाताओं का कहना है कि काफी लंबे समय से इस पर्व का इंतजार कर रहे थे। युवाओं ने खुशी खुशी अपने मत का उपयोग किया। आपको बता दें कि हमीरपुर में बनाए गए पोलिंग बूथों पर सुबह से ही भीड़ देखने को मिली। मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार मैं वोट दे रही हूँ अपने पिताजी को, पहला बार है तो इस बार पूरे अच्छे से वोट देंगे सब दे। बहुत खुशी हो रही है, सबको देना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी डेमोक्रेसी में, बहुत ज़रूरी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इसलिए है क्योंकि हम सबको ये अधिकार मिला है। तो मैं चाहूँगी आपके द्वारा, आपके चैनल के थ्रू भी मैं यही चाहूँगी कि जो हिमाचल के लोग हैं वो जितना हो सके उतने मतदान दें। मैं पहली बार वोट देने लाइन में आ गई हूँ और वोट देना बहुत ज़रूरी है, सभी को वोट देना चाहिए। उधर धर्मशाला में मतदाताओं में वोटिंग को लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें तो वहीं पोलिंग बूथों पर भी सुबह से ही भारी भीड़ दिख रही थी। सीएम से लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा ने अपने मत का उपयोग किया। कांग्रेस प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने अपनी माता के साथ रकड़ पोलिंग बूथ पर मतदान किया। मौके पर सुधीर शर्मा ने कहा कि लोगों में मतदान को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। भारी उत्साह है मतदाताओं के बीच में, आप देख रहे हैं लंबी लंबी जो है वो कतारें लगी हैं, लोग निकल करके आ रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मतदाता भी निकलेंगे मुझे लगता है दोपहर का भोजन करने के बाद, लेकिन जिस तरह का उत्साह है मतदाताओं में लगता है कि प्रदेश में भारी बदलाव होगा और लोग जो हैं वो महंगाई और बेरोज़गारी से त्रस्त होकर के बदलाव के लिए मतदान कर रहे हैं।
क्या लगता है सर, ओपीएस जो है उसका फायदा जो है कांग्रेस को मिलेगा कहीं? निस्संदेह रूप से मिलेगा, क्योंकि जो कर्मचारी हैं उन्होंने 5 वर्ष संघर्ष किया है, उनकी सुनी नहीं गई, और कांग्रेस ने कहा है कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में ओपीएस देंगे। कांग्रेस नेता सुधीर शर्मा ने मतदान किया अपने परिवार के साथ, और साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि जितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, मतदाताओं में देखने को मिल रहा है, उससे साफ है कि बदलाव जो है वो निश्चित रूप से होकर रहेगा। और साथ ही कई दिग्गजों ने भी जो मतदान है वो अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर किया है, तो काफी उत्साह जो है वो वोटर्स में कल देखने को मिला। हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर सुबह से ही लोगों की जो भीड़ थी वो काफी हद तक देखने को मिली, जिसके बाद लोगों से भी अपील इस दौरान की गई कि वो भी वोट जरूर कास्ट करें। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़ कर जो वोटिंग है वो की। तो धर्मशाला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस नेता अपने परिवार के साथ यहां पर पहुंचे और वोट कास्ट उन्होंने किया, साथ ही बूथों पर, तमाम बूथों पर काफी भीड़ जो है वो देखने को मिली। लोगों में काफी उत्साह कल के दिन देखने को मिला, क्योंकि हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर हर किसी में ये उत्साह था, और हर किसी ने लोकतंत्र के इस महापर्व पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चलिए हिमाचल की अन्य खबरों की ओर फिर रुक करेंगे फटाफट अंदाज में। सोलन में बीजेपी नेता राजेश कश्यप ने परिवार संग किया मतदान, पीडब्ल्यूडी रेसाउट में बने मतदान केंद्र में किया मतदान, सोलन सदर से प्रत्याशी हैं राजेश कश्यप। हिमाचल में संपन्न हुआ विधानसभा का चुनाव, सोलन में कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल ने किया मतदान, अपने पैतृक गांव पहुंचकर किया मतदान। अड़सठ विधानसभाओं सीटों पर संपन्न हुआ मतदान, सोलन में बुजुर्ग मतदाताओं को दी गई सूची, बूथों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तैनाती की गई। ज्वाली में बीजेपी नेता संजय गुलेरिया ने परिवार संग किया मतदान, पोलिंग बूथों पर मिली भारी भीड़, संजय गुलेरिया ने लोगों से की थी चुनाव की अपील। ज्वाली में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री चंद्र कुमार ने अपने परिवार संग किया मतदान, चंद्र कुमार ने पोलिंग बूथ रंग पर किया मतदान। पांवटा साहिब में संपन्न हुआ मतदान, कांग्रेस ने कृष्णेश जंग की जीत का किया दावा, मतदान को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। हिमाचल की हॉट सीट रामपुर में हुआ मतदान, मतदाताओं में देखा गया भारी उत्साह, बीजेपी नेता कौर सिंह नेगी ने परिवार संग किया मतदान। हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने परिवार संग किया मतदान, पोलिंग बूथ पर देखने को मिली भारी भीड़, धूमल ने लोगों का जताया धन्यवाद। नूरपुर में भारी संख्या में हुआ मतदान, युवाओं ने देखने को मिला भारी उत्साह, कांग्रेस नेता अजय महाजन ने अपने परिवार संग किया मत का प्रयोग। मंडी जिले में भी संपन्न हुआ मतदान, चर्चा मन रही पुलिस की सुरक्षा, युवाओं ने भारी संख्या में किया मत का उपयोग, पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने परिवार संग किया मतदान। ज्वालामुखी में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ मतदान, सुरक्षा के मद्देनजर एसडीएम और रिटर्निंग अधिकारी ने किया था पोलिंग बूथों का दौरा, लोगों से की थी मतदान की अपील। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौट रहे हैं।